हेलो चिल्ड्रन, स्टैंडर्ड थर्ड। टुडे आई एम गोइंग टू टेक योर चैप्टर 7 रॉबिंसन क्रूसो। आज मैं आपको ये लेसन पढ़ाऊंगी, इसकी कहानी बताऊंगी। यहाँ पे ये रॉबिंसन क्रूसो नाम का एक सेलर था। सेलर मीन्स जो बोट शिप पे काम करता है या बोट पे सेल करता है। ओके, तो इसकी कहानी है कि इसका शिप जो होता है वो डिस्ट्रॉयर है, तहस नहस हो जाता है सी पे। ओके, और वो वहां पर एक टापू पे, आइलैंड मीन्स एक टापू पे, वहां अकेला रह जाता है। बहुत सालों तक अकेला रह जाता है और वहां पर उसको कंपनी चाहिए, यानी उसको ऐसा होता है कि वो मुझे मिल जाए। रॉबिंसन का जो रॉबिंसन क्रूसो है, इसमें मेन कैरेक्टर है, इसका जो शिप है वो तहस नहस हो जाता है सी की वजह से। ये वहां पर एक टापू पे अकेला रह जाता है और ये कंपनी ढूंढता है, यानी किसी का साथ ढूंढता है, कोई इसे मिल जाए और ये वहां उसके साथ रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये वहां पर अकेला रह जाता है और इसको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। लेकिन एक बार क्या होता है, एक दिन जब ये जाता है तो उसको सैंड मिलने डेट एक फुटप्रिंट, फुटप्रिंट यानी किस तरह का पांव का निशान मिलता है। तो ये निशान सोच के डर जाता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई बहुत जंगली क्रिएचर, कोई ऐसा जंगली प्राणी आ गया जो मुझे मार डालेगा, मैं मुझे खत्म कर देगा, तो वो डर जाता है। ये कहानी पूरी उस तरह से है कि सैंड पे ये फुटप्रिंट देखता है, वो डर जाता है और पूरी स्टोरी उस फुटप्रिंट को लेके गए पांव के निशान पे। ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस लेसन फॉर यू और आप ये लेसन अच्छे से सुनना। मैंने हार्डवर्ड से लिखे, आई विल रीड दिस हार्डवर्ड आल्सो फॉर यू एंड मेक यू अंडरस्टैंड द स्पेलिंग्स। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस लेसन। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, एक दिन की बात है जब मैं अपने बोट की तरफ यानी अपनी नाव की तरफ जा रहा था, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड। तो मैं आई वाज सरप्राइज्ड यानी मैं बहुत चौंक गया कि आई सॉ यानी मैंने एक फुटप्रिंट, फुटप्रिंट यानी इस फुटप्रिंट का मतलब समझ लिया आपके जो पांव है उसकी प्रिंट है, उसकी पूरी छाप। तो वो ऐसी फुटप्रिंट यानी पांव की छाप देखता है रेत पे, सैंड पे। तो वो देखता है, आई स्टूड अमेज्ड, और वो वहां पे खड़ा होके रह जाता है और बहुत बहुत डर चुका था, वेरी सरप्राइज यानी चौंक गया कि ये फुटप्रिंट किसका होगा, कौन सकता है। तो वहां पे खड़ा रह गया और आई लिसन और मैं सुनने लग गया। वो इतना घबरा गया, चौंक गया कि वो वहां पे लिसन यानी सुनने लग गया। आई लुक अराउंड मी, आई लुक यानी रॉबिंसन क्रूसो ने अराउंड अपने आस पास ऐसे झांका कि कोई यहाँ है तो नहीं, अच्छे इंसान आया जिसके ऐसे इतने बड़े पांव के निशान है और मुझे पता ही नहीं चला, मुझे इस बात का आभास ही नहीं हुआ है कि कोई यहाँ पर इस आइलैंड मेरे टापू पर है। आई लुक अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। तो उसने अपने आसपास जहां तक उसकी नजर फैली, उसने अपने आसपास देखा कि मे बी कोई यहाँ पर आया है और उसको कोई नहीं दिखा। आई कुड नाइदर, नाइदर यानी वो बिल्कुल सुन नहीं सकता, उसको ऐसा कि किसी की आवाज भी नहीं, अगर यहाँ पे आया है तो उसकी आवाज तो आनी चाहिए, लेकिन आई कुड नाइदर हियर, मैं किसी को सुन भी नहीं पा रहा हूँ, न देख पा रहा हूँ, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो कौन हो सकता है ये। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, अब ये और ऊंचा हायर यानी ये और ऊपर बहुत चला गया देखने के लिए कि फुटप्रिंट देखूं कौन है यहाँ पे, जरूर कोई आ गया है। तो उसको बस ये डर था कि कोई एनिमल ना हो बड़ा सा जो मुझे मार डालेगा, खा जाएगा। तो आई वेंट अप एंड डाउन द शोर, और वो अप एंड डाउन यानी वो ऊपर नीचे शोर के जाने लग गया। शोर का मतलब होता है द लैंड एट द एज ऑफ द सी और लेक, यानी सी कोई भी दरिया है या लेक है उसका जो एज यानी जो किनारा होता है वो वहां पे जा रहा है, एकदम ऊपर जा रहा है, देख रहा है हर तरफ से, वो चेक कर रहा है कि कोई ना कोई तो यहाँ पे आया है और है। और वो ये ही वॉज वेरी मच ईगर एंड क्यूरियस टू नो कि कौन है, बिकॉज ही थॉट दैट हिज लाइफ इन डेंजर, वो मुझे मार डालेगा। बट आई कुड नॉट फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, और फिर उसने इतना यहाँ पर झांका कि इट वॉज नो गुड, उससे कि अच्छी बात तो नहीं है कि मुझे फुटप्रिंट दिखा और वो डर गया था, और वो पूरा ऊपर नीचे यहाँ पर भाग करके देख रहा है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर ये कहा, आई कुड नॉट फाइंड एनी अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, तो अपने आप से बोल रहा है कि आई कुड नॉट फाइंड एनी अदर फुटप्रिंट, मैं कुछ भी यहाँ पे और ये बस ये भी फुटप्रिंट दिखा और मुझे और कोई फुटप्रिंट नहीं दिख रहा है और अभाव कर कोई और है यहाँ पे। आई वेंट टू अगेन टू सी देयर एनी मोर फुटप्रिंट्स, तो आई वेंट टू सी अगेन, फिर से वो देखने जाता है कि देयर आर एनी मोर फुटप्रिंट्स। तो वो फिर और आगे पीछे भागता है, देखता है कि उसको और कोई फुटप्रिंट्स मिल जाए, एंड टू टेल इफ यू हैव बीन माय इमेजिनेशन,
और वो बेचारा यहाँ से वहाँ भाग रहा है, दौड़ रहे का डर गया था, और इमेजिनेशन उसकी कल्पना उसे डरा नहीं, जरूर कुछ है, कोई बात है, फुटप्रिंट दिखा है तो कोई ना कोई है, और भी अगर यहाँ पे एक फुटप्रिंट मिला है सर में तो हो सकता है आगे और कहीं हो फुटप्रिंट जो मुझे दिख नहीं रहा है, तो हर जगह जाके घूम रहा है, देख रहा है। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, पर मैं गलत, मिस्टेक है मेरी गलती भी नहीं, वो अपने आप से बोलता है, फॉर देयर वाज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ द फोटोज ही। तो उसने कहा मैं गलत तो नहीं हूँ, मेरी कोई गलती तो नहीं है, फुटप्रिंट तो है एग्जैक्ट है, पक्का है, मैं श्योर कि मुझे ऐसा फुटप्रिंट तो सैंड में दिखा है, बट द फुटप्रिंट ऑफ फूट टोज ही एवरी पार्ट ऑफ फोटो। फिर उसने ये भी कहा कि फूट का प्रिंट है, टोज है, हील है, सब कुछ एकदम फुटप्रिंट की तरह ही है, एंड एकदम पार्ट एवरी पार्ट ऑफ फोटो, और पूरा फूट में जितने पार्ट्स होते हैं टोज है, हील है, एवरीथिंग सब कुछ है। तो आई एम श्योर दैट समवन इज, आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम हियर। तो बोलते मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और मैं यहाँ पर कौन है, कौन यहाँ आया है, बस इमेजिन है वो कल्पना करने जा रहा है कि कोई ना कोई तो यहाँ पे आया है, पर कौन है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई स्टिल लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। तो वो बहुत देर तक स्टेज में है, वो बहुत देर तक बैठ के सोच रहे हैं, और वो इतनी लंबी सोच में पड़ी है कि उसको कुछ सोच नहीं रहा था, और वो उसको सोच के बहुत सोच सोच के डूबे जा रहा था, और चिंता करते करते इतना हो गया कि वो बहुत कन्फ्यूज हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। एट लास्ट आखा दिन बीत गया और उसकी चिंता इतनी बढ़ती है ना, वो समझ नहीं पा रहा क्या करूँ। तो एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेड, और जब आखिरकार वो थक खा गया, सोच समझ नहीं पाया, तो इतना थक के छूट हो गया, किसी का मैं अपने घर जाता हूँ, तो वो अपने घर जाता है, रिटर्न होम अपने घर जाता है, बहुत फ्राइटेड मैंने डर गया था, लुकिंग बिहाइंड मी, और लुकिंग बिहाइंड मी है, और वो जब जा रहा था चल के, तो घड़ी घड़ी पीछे लुकिंग बिहाइंड मी है ना, मेरे पीछे मैं वो घड़ी घड़ी देख रहा हूँ, प्रोफेसर से जब जैसे जा रहा है वो घड़ी घड़ी पीछे मुझे देख रहा है। एंड आफ्टर एवरी टू टू थ्री स्टेप्स मिस्टेक टू एवरी पोशन टीम टू बी मैन, और जैसे जैसे वो हर दो तीन स्टेप है ना, वो दो तीन पगड़ी आप बोलते ना, दो तीन पगड़ी यानी पाँव करके वो जा रहा है, दो तीन कदम वो चलता है तो पीछे मुड़के देखता है, फिर वो दो तीन कदम चलता है तब वो पीछे मुड़के देखता है, और उसे ये डर होता है कि कोई बुश, बुश मैंने आपको बताया था ना पहले भी लेक्चर में, बुश जो होता है वो छोटा सा घना सा प्लांट होता है, बहुत छोटा सा होता है, बहुत घना सा प्लांट होता है, और वो बुश के पीछे उसको करते हैं कि कुछ पर्सन होगा जो छुपा है और मेरे पीछे आएगा, और ट्री में, और अगर कोई ट्री दिख रहा है तो उसको ट्री को देखने में लग रहा है कि कोई आदमी वहाँ खड़ा है, तो वो हर दो कदम पे तीन कदम पे चलता है पीछे घूम के देखता है, तो हर बुश जो छोटे छोटे घने प्लांट्स होते हैं ना गार्डन में आपको देखा होगा, तो वो बुश को भी समझ लें कि वहाँ पर छुप के बैठा है, और कोई ट्री दिख रहा है तो ट्री भी उसको देखने से लग रहा है कि कोई मैन वहाँ पे खड़ा हो गया, इतना डर गया था। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस हार्डवर्ड स्टोरी। सी एस यू आर टी आर ए सी डी, सरप्राइज यानी बहुत ज्यादा चौंक के डर जाना। फुटप्रिंट है डबल ओटी फोर पी आर एन फोर्टी, फुटप्रिंट यानी पांव के लिए निशान। छा एस एन डी सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत, जैसे लैंड आप बीच पे जाते हो समुद्र के डर जाते हो, तो वहां की जो मट्टी होती है वो सैंड होती है, एकदम स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ई एन ए जेड ई एन एस, एन एस का मीनिंग होता है वेरी सरप्राइज, यानी बहुत धीरे धीरे से चौंक जाना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एल आई एच टी यानी लिसन, लिसन यानी सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास में टीचर आते तो बोलते कि इस स्कूल में क्या हो रही है। एस एच वाली शो, शो का मतलब ये होता है ना कि लैंड एट द एच ऑफ सी और लेक, इन लैंड यानी कोई भी जमीन, लैंड या धरती का इलाका, सी यानी समुद्र के किनारे कोई भी जो एच होता है उसको हम शीशो बोलते हैं। और इमेजिनेशन, आई एम ए जी आई एन एन, इमेजिनेशन यानी अपनी काल्पनिक, अपने मन में कल्पना करना कि ऐसा हो गया, जैसे इस वजह से मैं रॉबिन्सन क्रूसो के इमेजिनेशन होते हैं कि जरूर कोई आदमी आया है, कौन है, किसका फोटो है, तो पूरा इमेजिन करके वो डर जाता है, सहन जाता है। एम आई एस टी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का यानी मेरी गलती। सी आई एन टी कंफ्यूज यानी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, आप इतनी कंफ्यूज करते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पहले ये काम करूँगी ये करूँ, माइंड इज नॉट स्टेबल। एफ आर आई जी एस टी इंफ्रैक्टेड यानी बहुत डर जाना। आई रिटन यू कीवर्ड्स फॉर यू, आई एम गोइंग टू रीड दिस कीवर्ड्स फॉर यू। एनएस का मतलब होता है वेरी सरप्राइज यानी बहुत चौंक जाना। एफ आर आई जी एस टी इंफ्रैक्टेड का मतलब है फीलिंग फियर यानी डरना। ओके, तो आई थिंक दिस लेसन इज क्लियर टू यू, आई हैव टॉट दिस लेसन इन वन ऑफ द पार्ट एंड यू मस्ट बी
able to understand this lesson properly and you must be not having any problem regarding this lesson. So your homework will be मैंने जो ये hard words लिखे हैं बोर्ड पे, ये hard words को आप टेक्स्टबुक में underline कर लेना और इसको फिर आप read करना, अच्छे से add करना और ये keywords भी दिए हैं chapter में. आप जब ये lesson पढ़ोगे problems and questions को तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये sailor ने क्या देखा, उसका क्या एक्सपीरियंस हुआ, वो किस तरह से बिहेव करता है. इस लेसन को अच्छे से पढ़ना, रीड करना एंड यूज ऑफ दिस हार्ड वर्ड्स एंड कीवर्ड्स. ओके, सो वी विल बी मेकिंग